कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है, ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, अपना नाम, अपना क्लास, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लीजिए। जब क्लास लिखेंगे तो अपना सेक्शन भी लिखेंगे, क्योंकि साइंस की वर्कशीट है तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाऊँगी, तो आप लोग ले लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो हम बाहर से देख पाते हैं, ठीक है, यानी कि फिज़िकल चेंज। जैसे कि अब हम छोटे हैं, बच्चा हैं, बच्चे से बड़े हुए, ठीक है, ये हमारे क्या है, भौतिक चेंज है जो हमें दिख रहा है। रासायनिक चेंज क्या होते हैं, रासायनिक चेंज होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, केमिकल चेंज जो होते हैं, है ना, और ये हर चीज़ में होते हैं। तो चलिए यहाँ पे और एग्जांपल्स आपको दिए गए, हम उनके थ्रू जानेंगे। तो देखें यहाँ क्या लिखा है, हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहाँ विभिन्न वस्तुओं की आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है लेकिन कोई नई वस्तु नहीं बन रही है। जैसे कि आपने देखा पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल टूट गई तो क्या हुआ, टूट गई, परिवर्तन हुआ, लेकिन पेंसिल से क्या कोई नई चीज़ बनी, नहीं बनी, है ना। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ये आपके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें सदैव एक नई वस्तु का निर्माण हो जाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दूध है, दूध में एक रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन, और जिसके बाद दूध जो है वो दही में बदल गया, तो अब क्या है, एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई ना, ये आपकी क्या कहलाती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों को ध्यान से देखिए, अब ज़रा देख के बताइए, यहाँ क्या है, पेंसिल टूट गई, है ना, यानी एक नई चीज़ नहीं बनी। और यहाँ देखिए पौधे बढ़ना, पौधों का बढ़ना, ये भी क्या है, नई चीज़ नहीं बढ़ रही है, पौधे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, इसमें जंग लग जाना, तो जंग लग गया तो नई चीज़ तो नहीं बनी ना, उसी में ही जंग लग गया, ठीक। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघला तो बर्फ़ पिघल के क्या बन गया, पानी बन गया, है ना। कागज़ का जलना, कागज़ जला तो क्या बन गया, राख बन गया। दही का जमना, दही जमा तो क्या बन गया, दूध फटा तो क्या बन गया, दही बन गया, है ना। तो इस तरह से क्या मतलब है, अब अगर आप देखें तो जो हमने यहाँ पे ये तीन चीज़ें जानी, ये इन चीज़ों में हमें कोई नई चीज़ नहीं मिली, जबकि इन तीन चीज़ों में हमने देखा कि एक चीज़ हटने के बाद हमें दूसरी एक नई चीज़ मिली, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है, इनमें से कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो अब आपके जो ये तीन हमने पिंक से करे हैं, ये आपके भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें परिवर्तन तो हुआ लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनी, ठीक है। और ये तीन जो आपके हमने हरे कलर से करे हैं, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है, क्यों, क्योंकि इनमें परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन हमें दिखा भी, बर्फ़ पिघल के पानी बना हमने देखा, है ना, कागज़ जल के कोयला बना, राख बना हमने देखी, दही जमा यानी दूध फट के दही जमा हमने देखा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि भौतिक परिवर्तन में यहाँ पे हमने लिखा पेंसिल का टूटना, ये वाला हो गया, और यहाँ पे देखिए कागज़ का जलना, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, ठीक। अब इसी तरह से पौधे का बढ़ना आप यहाँ लिख लेंगे, और दही का जमना आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। बर्फ़ का पिघलना आप यहाँ लिखेंगे रासायनिक में, और यहाँ पे लोहे का जंग आप इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तीनों आप लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं, कोई उदाहरण दीजिए, कोई दो उदाहरण अब आपको देना है ऐसे कि जब भौतिक परिवर्तन भी हो रासायनिक परिवर्तन भी हो, यानी कि जो चीज़ है उसमें चेंज भी आए और एक नई चीज़ भी हमें मिल जाए, ठीक है। तो चलिए ऐसा देखते हैं ऐसा कब होता है। तो देखिए आप इसका जवाब यहाँ से ले सकते हैं, मोमबत्ती का जलना और पिघलना कैसे। अब देखिए मोमबत्ती जलेगी तो उसका जो क्या फिजिकल चेंज यानी जो भौगोलिक चेंज है वो भी परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन भी होगा, और उसके पिघलने से उसमें रासायनिक परिवर्तन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि मोम जल जाएगा, पिघल जाएगा वो, है ना। और उसके बाद उसकी जो आकृति है मोमबत्ती जो आपको दिख रही थी बिल्कुल फिट एंड फाइन, वो क्या हो जाएगी, वो पिघल के नीचे मोम की तरह जम जाएगी, है ना। तो दोनों तरह के उसमें चेंज आएंगे। इसी तरह से लकड़ी का जलना अगर आप देखें तो देखिए लकड़ी है यहाँ पे, अब ये जलेगी तो इसका केमिकल चेंज भी होगा, कैसे कि ये जल जाएगी, ठीक है, और इसमें आपके जो भौतिक चेंज है वो भी होगा कि जल गई, और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक चेंज है वो कैसे होगा कि आपको इसके बदले कोयले मिल गए, ठीक है। तो लकड़ी जली तो हमें एक नई वस्तु भी प्राप्त हो गई, और इसके अलावा ये भी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वर्कशीट का हम ये खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।